जिंदगी मगर आगे बढ़ना चाहती हो, समुद्र की मौजों को पार करना चाहती हो तो सबसे पहले समुद्र में तैरना सीख लो, वरना डूब जाओगी बेबी। और फिल्म इंडस्ट्री तो एक ऐसा समुद्र है जहाँ अच्छे अच्छे डूब गए। सर, मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। उम्र के इस पड़ाव में आके ना समझी जैसी बातें मत करो बेबी, वरना नाकामयाबी के अलावा तुमको और कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहती हो, ऊपर लाइफ में आना चाहती हो तो दूसरी हीरोइनों की तरह अपने इस फिगर का इस्तेमाल करो। ऊपर वाले ने क्या फिगर बख्शा है, क्या पर्सनालिटी दी है, तुम भी खोल खोल के दो एक्सप्रेशंस, विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेशंस, लेकिन एक्सप्रेशंस बाद में देना, पहले मैं जरा तुम्हारा खुला हुआ फिगर देख लूं। जरा ये टॉप को उतार दो। नहीं सर, मैं ये टॉप नहीं उतारूंगी। बेबी, टॉप पे आने के लिए टॉप उतारना बहुत जरूरी है। नहीं सर, मैं ये टॉप नहीं उतारूंगी। तुम ये टॉप नहीं उतारोगी? तो ठीक है, मत उतारो ये टॉप। तुम कभी टॉप पे नहीं आ सकती। अरे टॉप पे आने के लिए टॉप उतारना कितना जरूरी है, तुम ये कभी समझ नहीं सकती। अरे तुम जानती हो जितनी टॉप की रेंज है सारी की सारी मेरी नजरों के सामने से गुजरी है। तुम मेरी नजरों के सामने से नहीं गुजरना चाहती, तुम फिल्म इंडस्ट्री पर गुजर जाओगी। देखो, तुम्हारे भोपाल का टिकट मैं कटवा दूंगा। नहीं सर, प्लीज मेरी टिकट मत कटवाइए। मैं टॉप पर जाने के लिए, अपना टॉप उतारने के लिए तैयार हूँ बेबी, और मैं तुम्हें टॉप पे लेके जाने के लिए तैयार हूँ। टॉप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन ऊंचाइयों पे जाने के लिए पहले तुम्हें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। आओ आओ बेबी, बी कंफर्टेबल और टॉप उतार दो। टॉप उतारो बेबी, उतारो, बढ़िया लग रही हो बेबी, फाइन बेबी, बेबी टॉप उतारो बेबी। बेबी तुम बहुत टॉप पे जाओगी बेबी, बेबी तुम बहुत टॉप पे जाओगी। बेबी तुम तो एकदम टॉप की चीज हो, बड़े टॉपर हो। अब तुम्हें टॉप पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें टॉप पे लेके जाऊंगा। बेबी टॉप टॉप बेबी 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 बेबी। तुम लोगों की वजह से ना पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम है। तुम लड़कियों का एक्सप्लॉइट करते हो और उनकी इज्जत के साथ खेलते हो। देखिए मैडम, प्लीज इसको माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज मैडम, प्लीज तुम ही हो ना जो लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाते हो हीरोइन बनने के। मैं तुम्हारी कंप्लेंट आर्टिस्ट एसोसिएशन में कर दूंगी और तुम्हारा ये जो प्रोडक्शन है ना वो भी बंद करवा दूंगी, समझे? तुम्हारी देखिए प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आगे ऐसी गलती नहीं होगी मैडम। ठीक है ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आज के बाद किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत मत करना, समझे? बिल्कुल नहीं होगा, किसी लड़की के साथ क्या किसी भेड़ा बकरी के साथ भी नहीं होगा। आर के सुधर जा सुधर जा, कहीं बॉस को मालूम पड़ गया तो तेरा हमेशा के लिए पैकअप हो जाएगा। हातिम भाई हाँ। हम तो समझ भी जाएंगे, लेकिन यह है कि सुधरने को तैयार नहीं। क्या दिल हाँ। दिल है कि मानने को तैयार नहीं। दिल दीवाना बिन सदनी के माने ना हाँ। एक सदनी ढूंढो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं ढूंढू? ठीक है मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। हातिम भाई तुम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो, वहाँ बॉस की गाड़ी आ गई। बॉस आ गया, चलो बॉस आ गया, चलो चलो चलो। ठीक है अच्छा ठीक है, मधु बाबा जी भी ठीक है, मैं भी ठीक हो जाता हूँ बॉस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हातिम भाई आई लव यू सर। आर के जी कल की शूटिंग के तमाम इंतजाम पूरे हैं सर? हो गया सर, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पिछली दफा की तरह गुच्ची तो नहीं होगी? अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, हम पीछे पीछे। स्टार्ट साउंड रोलिंग 3/1 take 1 एक्शन। देखो प्रिया मैं तुम्हें पिछले 3 साल से जानता हूँ और तुम भी मुझे जानती हो, आखिर ये जाने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्यों ना हम लोग अब शादी करके अपना घर बसा लें। देखो सलमान मैं अपनी शादी का डिसीजन खुद नहीं ले सकती, इसके लिए मुझे अपनी मम्मी पापा से पूछना होगा। प्रिया क्या तुमने मुझे प्यार करने से पहले अपने मम्मी पापा से पूछा था? कट कट। प्रिया मैंने तुमको टाइम एंड अगेन कितनी बार समझाया कि जब सलमान भाई का डायलॉग आता है कि कहा तुमने प्यार करने से पहले अपने मम्मी पापा से पूछा था तो तुमको इसके बावजूद दूर जाना जब याद था ना। तो कॉन्सेंट्रेट करो यार, मेरा खून मत जलाओ प्लीज। सलमान भाई सॉरी हाँ सर सर सॉरी, प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट प्लीज सर। नहीं वन मोर सर, नहीं नई लड़की है प्लीज आने लड़की। कम ऑन प्रिया कॉन्सेंट्रेट। स्टार्ट साउंड रोलिंग 2 एक्शन। देखो प्रिया मैं तुम्हें पिछले 3 साल से जानता हूँ, तुम भी जानती हो, आखिर जानने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्यों ना हम लोग शादी करके अपना घर बसा लें। देखो सलमान मैं अपनी शादी का डिसीजन खुद नहीं ले सकती, इसके लिए मुझे अपने मम्मी पापा से पूछना होगा। प्रिया क्या तुमने हमसे प्यार करने से पहले अपने मम्मी पापा से पूछा था? कट। पैक अप पैक अप पैक अप। यस सर। सर सी यू थैंक यू थैंक यू। अरे तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहाँ बैठो। प्रिया 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 व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारे पास क्या नहीं है? खूबसूरती है, खूबसूरत बाल है, वक्त है, टैलेंट है, मैं हूँ तुम्हारे साथ यार। तुमको क्या कमी है? तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज नहीं है, कॉन्फिडेंस। टैलेंट तो तुम्हारे पास इतना है जिस पर तुमने पर्दा डाल के रखा, उसको मुझे हटाना पड़ेगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा। सर मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश ही तो करनी है क्योंकि कोशिश ही कामयाब होती है। शाम को क्या कर रही हो? सर कुछ नहीं। तो फिर तुम मेरे साथ डिनर लो, मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हारे टैलेंट के ऊपर से पर्दा हटाऊंगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारे में बढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरी इसके बाद भी तो 2 फिल्में सेट पे जा रही है, उसमें हीरोइन कौन होगी? तुम तो होगी। कॉन्फिडेंट टैलेंटेड प्रिया। प्रिया मेरे साथ तुम्हें कामयाबी की चोटी पे पहुंचना है। अब तुम एक काम करो प्लीज, मेकअप रूम में जाओ, तैयार हो जाओ। शाम को मेरे घर पे तुम्हारा टैलेंट मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस तुम्हारा टैलेंट, आओगी ना? ओके सर मैं आ जाऊंगी। ए आके आके। यस सर। अबे सर से निकल जाएगा क्या? तेरा प्रॉब्लम क्या है बे? प्रॉब्लम क्या है? कॉन्सेंट्रेट किया कर। जब मैं तुझसे किसी चीज की रिक्वायरमेंट बोलूं तो पूरा ध्यान से सुन। अरे कोई फ्रेश लड़की लाया यार, घिसी पेटी लड़कियां उठा के ले आता है। सर वो तो फ्रेश ही थी सर। क्या की फ्रेश? कोई टैलेंट नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं। सोन तेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? क्या है? तू मेरी बात ध्यान से सुनता नहीं। अब भी सुनूंगा सर। अब मुझे कल परसों एक फ्रेश लड़की चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर, वरना तुझ में भी कॉन्फिडेंस मुझे को डालना पड़ेगा। सर डाल दीजिए सर, आप तो डालूंगा सर। 5 फुट जयपुर फुट समझ रही सर, अब फोन की घंटी ही। हेलो, बदतमीज। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, एक्ट्रेस चाहिए, वो भी टैलेंटेड एक्ट्रेस। टैलेंटेड एक्ट्रेस ऐसे नहीं मिलती है बाकी सारे पैकेजेस के साथ में। जब तक रिहर्सल्स बेडरूम में चलते रहेंगे तब तक सेट पर तो रिटेक पे रिटेक होंगे, पर हमको क्या करना, यू आर अ बॉस। प्रिया कम 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 कम। सॉरी करण डार्लिंग, आने में थोड़ी देर। ओके ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देर से देर सब चलते रहता है। इन एनी केस, बैठो डार्लिंग, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम जितनी स्मार्ट, कॉन्फिडेंस यहाँ हो मेरे सामने, सेट पे तुम्हें क्या हो जाता है? सांप बिच्छू डंक मार जाता है क्या? इतना तुमने मेरा नुकसान किया, तुम जरा सोचो मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया। तुमको न सिर्फ अपनी इस फिल्म में बल्कि आने वाली 2 फिल्मों में भी हीरोइन अनाउंस किया है। मेरा कितना नुकसान करोगी यार। करण डार्लिंग, तुम एकदम बेफिक्र रहो, मैं आइंदा काम बहुत अच्छा करूंगी। बहुत अच्छा काम करोगी तो फिर वो जो मैंने तुम्हारे लिए 2 पीस ड्रेस घर भिजवाया वो पहन के आई हो तो वो क्या है, मेरे सामने आ जाओ एक्सपोज हो गए, क्योंकि अगली पिक्चर में तुमको और एक्सपोज होना है यार। तो क्या उसमें तुम कंफर्टेबल रहोगी, मैं कंफर्टेबल रहूंगा, काम आसानी से होगा ना यार। तो चले बेडरूम में थोड़ा ट्रायल रिहर्सल, बी कंफर्टेबल यार, बी कॉन्फिडेंट। आओ प्रिया, आओ, वेलकम टू करन्स बेडरूम। बैठो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम वो 2 पीस पहन के आई हो जो मैंने तुम्हें भेजा था? जी सर। तो फिर देर किस बात की, मुझे दिखाओ, दिखाओ। What lovely knockers, yeah. More, more, yes, yes. Yeah. You're marvelous. प्रिया, जैसा रिहर्सल मेरे साथ किया है ना, ऐसे परफॉर्मेंस टेक में भी रखना। ओके सर, मैं इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। That's my प्रिया। क्या बात है आर के, आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो। चेहरे से नादान और आंखों से शैतान नजर आ रहे हो। अरे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि तुम अपनी जिंदगी से परेशान नजर आ रहे हो। अपने हातिम को तो बताओ कि तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बाहर निकाल दे। क्या हातिम भाई, अगर एक परेशानी हो तो आपको बताओ जी, या तो बकायदा परेशानी का गोदाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मुझे परेशानियों की होलसेल की एजेंसी खोलनी पड़ेगी। हाँ, तो तुम्हें तो परेशानी खरीदने वाले डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। हातिम भाई, यहाँ मेरे रास्ते लगे हुए हैं और आपको हंसी आ रही है। आप रहने दो, मैं खुद हल निकाल दूंगा, मुझे सोचने दो। नहीं नहीं, अकेले सोचने से कुछ नहीं होगा भाई। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सबने मिलकर सोचा था। अच्छा। और सबने मिलकर खून की नदियाँ बहा दी थी। हम तुम्हारे लिए खून की नदियाँ तो नहीं बहा सकते, लेकिन पसीने की नदी तो बहा सकते हैं ना। आरके, हातिम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम खाली अपनी प्रॉब्लम बताओ, समस्या का हल निकालना तो हम लोगों का काम है। तुम लोग वाकई कर मेरी चुटकी न बताओ तो मुझे अकेला छोड़ दो। सर कटा सकते हो लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या अपनी परेशानी तुम हमको बता सकते नहीं? मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे हमदम, अगर वाकई तुम लोगों में है दम और बांटना चाहते हो मेरा दम तो सुनो, सुनो, बोलो बोलो भाई। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ। अपना बॉस जो है हाँ। कितना महान डायरेक्टर है। जी जी यार जी। एक एक फिल्मों में 3-3 चाचा पर रेप करवाता है और रेप की लड़की मुझे ढूंढनी पड़ती है, रास्ते मेले लगते हैं। अब मुझे रिक्वायरमेंट दी है कि कल तुम्हारी शूटिंग है, उसके लिए कहीं से लड़की ले आओ, छोटी छोटी 18-19 साल की। अभी अगर नहीं लाया हाँ। तो लगता है मेरा रेप कर देगा। पता नहीं मेरा क्या हुआ यार। हाँ। खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या मतलब? अरे वाह, ऊपर वाले ने तेरी सुन ली। तेरी प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व। सामने से आ रही है डॉल। अरे हाय डॉल। तुम तो बकायदा 4 बेडरूम हॉल। लेकिन ये क्या, तुम मुझे ठीक तरह से पूरी दिखाई नहीं दे रही। मतलब? हाँ, क्या है कि जब तक तुम ठीक तरह से खुलोगी नहीं, तब तक खुल के काम नहीं कर सकोगी। तुम्हारा खुलना बहुत जरूरी है। इसे खोलो। जरूरी है? बहुत जरूरी है। खोलो मेरी, खुल मेरा। मैं खोल देता हूँ। वैसे भी मैं बहुत बड़ा खोलू। खुलो खुलो, खुली खड़ी हो जाओ। बेबी क्या लग रही हो तुम? तुम्हें तो मैं पकाता पढ़ना चाहूंगा, खुली किताब की तरह। जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेबी जरा यहाँ और थोड़ा घूम जाओ। इस तरफ आओ ना बेबी, इस तरफ घूम। जब तक तुम्हें ठीक तरह से मैं डिस्कवर नहीं कर लूं, तब तक तुम डिस्कवरी ऑफ इंडिया कैसे बनोगी? मेरा तुम्हें डिस्कवर करना बहुत जरूरी है। बेबी एक काम करो, खड़ी हो जाओ। ओ हाँ, खड़ी हुई है। अब सर लहरा कर चलकर दिखाओ। बेबी एक बार फिर से चल के दिखाओ। और मत चलो, वरना मैं चल बसूंगा। बेबी आओ मेरे नजदीक। बेबी तुम मेरे साथ एक रोमांटिक सीन करना पड़ेगा। जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्या है कि जब तक तुम मेरे साथ रिहर्सल नहीं करोगी, तब तक वहाँ टेक कैसे दोगी? यहाँ पर रिहर्सल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना वॉमिटिंग हो जाएगा। यहाँ पर टेक कर लेते हैं। रिहर्सल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शुक्र करो एक ही थप्पड़ मारा है। काम करते हो प्रोडक्शन मैनेजर का, सपना देखता है हीरो का। मुझे ऐसे घटिया लोगों के साथ काम नहीं करना। सुनिए सुनिए, हाँ। बड़े जोर का डायनामिक थप्पड़ मार के चले गए यार। हाँ। तू कब तक थप्पड़ ही खाते रहेगा यार? आरके, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। लड़कियां आखिर तुम्हें किस बात की सजा देती है? तेरी समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये बात तो हातिम ही समझ सकता है। अपना आरके है ना, बहुत ही छुपा रुस्तम है। हाँ, इसके गाल पर जो थप्पड़ पड़ती है वो तो हमें दिखाई देती है, लेकिन ये करता क्या है ये हमें नहीं दिखाई देता। हंसिए मत हातिम भाई जी, यही तो बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन बाकी मैं कुछ नहीं करता। लोग मेरे साथ कर जाते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग आखिर मेरे साथ ऐसा करते क्यों है। मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, तुमको कुछ नहीं करने का है। तुम्हारी बीमारी मेरी समझ में आ चुकी है। मेरी बीमारी आपकी समझ में आ गई है? आप हंस रहे? वो क्या है, इसका इलाज भी मेरे पास है। अच्छा, बताइए आतिम भाई, जल्दी बताइए। तो जल्दी से जल्दी तुम शादी कर लो, समझे कि नहीं? गांव जाके वो भी नहीं तो किसी दिन बॉस को पता चल गया ना तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे और सारी जिंदगी जूह चौपाटी पे भेलपुरी बेचते रहोगे और इसी तरह थप्पड़े खाते रहोगे। हातिम भाई आप फिर से देखिए जी, आपका जो पहला वाला आइडिया है हाँ। जूहू चौपाटी पे पानी पूरी बेचने का हाँ। वो तो फिर भी ठीक हाँ। लेकिन दूसरा वाला आइडिया थप्पड़ खाने वाला हाँ। उसको थोड़ा चेंज कीजिए। क्या कि आज तक 3,365 थप्पड़ ऑलरेडी खा चुका हूँ। और कितने खिलाओगे? नहीं, ये थप्पड़ और आ गई है। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा मॉर्निंग गुड है, आप कह रही है तो हो भी सकती है। आइए बैठिए। थैंक यू सर। थोड़ा दूर बैठना पड़ेगा। बैठिए बैठिए, आप ही का ऑफिस है। सर मेरा नाम रीटा है। रीटा बड़ा प्यारा नाम है। सर मैं 2-3 फिल्म कर चुकी हूँ, 2-3 टेलीफिल्म भी की है और सीरियल तो मैंने इतनी की है कि मुझे खुद को याद नहीं। आप तो काफी एक्सपीरियंस है, नजदीक आइए। और आज तक आपने जो कुछ किया है उसे अपने फोटो के पिछवाड़े लिख के अपने नाम पते के साथ दे दीजिए। वो तो ऑलरेडी लिख के लाई हूँ। अच्छा स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ये आप भी है? हाँ। तो फोटो में बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सर। एक बात बताइए जी, आपका रेप के बारे में क्या ख्याल है? क्या? मेरा मतलब फिल्मों में रेप के बारे में क्या ख्याल है? ओह। आप बोल्डनेस की, एक्सपोज के बारे में क्या सोचती हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच? सच। नहीं, यहाँ ऑफिस में आकर हर एक लड़की अच्छी अच्छी बातें करती है और बाद में वहाँ सेट पर जाकर नाटक करती है। आप एक बात बताइए जी, सेट पर जाने के बाद आप भी नाटक तो नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। ये बातें हाथ में लगी। पक्का? पक्का। एकदम पक्का। बॉस की जगह पूरा सीन तू ही समझा देगा क्या? क्या है हातिम भाई, कभी कभी तो मौका मिलता है चौका मारने का। मार लेने तो ना। मार ले मार ले। हातिम भाई होले होले, छोकरी डर जाएगी। हातिम भाई लड़की तैयार है तो समझ लो कि शूटिंग भी तैयार है। हाँ तो नीता। मेरा नाम रीटा है सर। हाँ, रीटा कल 10 बजे तैयार है ना? कल 10 बजे आपका रेप होगा। क्या? मैं बता, आपका रेप सीन होगा, खंडाला में शूटिंग है, आज जरूर जाइएगा। ओके सर, बाय 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 बाय। हर के एक बात समझ में नहीं आई कि लड़की तेरे से बच के कैसे निकल गई। मत पूछो हातिम भाई। हाँ। ये मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे संभाला अपना। क्या तिल। आरपी साहब आपके गांव से चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? मेरा तो कोई नहीं, मुझे कौन चिट्ठी लिख सकता है। खैर देखते हैं, चाचा लिख सकता है। चाचा, चाचा की चिट्ठी। गाँव में तेरी शादी फिक्स हो गई है, 15 तारीख को तेरी शादी है। याहू चाचा लव यू। मेरी शादी पक्की हो गई, निकलना पड़ेगा। मेरी शादी पक्की हो गई। हतिम, हतिम भाई जी मुझे एक बात बताइए। हाँ। कल की शूटिंग का आपने ब्रेकअप निकाला है? कितना खर्च है, क्या अखराजात है? हाँ, टोटल 2,70,000 रुपया। आर्टिस्टों के साथ जी। यार के इतना बेवकूफ है बताएगा नहीं। अब उसका मैं क्या बताऊँ, रोज हमारे आ गया पहला गुस्सा। आर के साहब आपने कल की शूटिंग का माकूल इंतजाम किया हुआ या हमेशा की तरह फिर कोई गुच्छी है? सर इस बार कोई त्रुटि नहीं होगी सर, इंतजार बस होने पर है। बस यूँ समझिए हो रहा है, बस यूँ समझिए हो रहा है सर। अच्छा जी अब एक बात ध्यान से सुनिए जी, कल मैं कोई मामूली नॉर्मल सा सीन नहीं कर रहा हूँ बल्कि एक रेप सीन कर रहा हूँ जिसमें मुझे एक नहायत बोल्ड लड़की की जरूरत है जो छिपकली विपकली की तरह मुझसे यहाँ टच मत करो, यहाँ मत करो, मुझे टेंशन हुई थी यार। सर इस बार कोई छिपकली नहीं है, एक से एक लड़कियाँ हैं सर। कोई पतली है तो कोई मोटी है, कोई सांवली है तो कोई गोरी है, एक से एक लड़कियां सर। इतनी सारी लड़कियां मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रेप सीन के लिए एक सिंगल बोल्ड लड़की की जरूरत है, उसको ले आओ। वही तो हम कह रहे हैं सर, एक ही लड़की आएगी, बस आपकी नजर उस पर पड़ जाने दीजिए। तुम कल सुबह की शूटिंग है, फौरन इंतजाम करवा वरना एक मारूंगा तुमको। टूट जाएगा सर बेवकूफ। सर जाने से पहले एक बात बोलनी थी सर, रिक्वेस्ट थी सर। अच्छा जी। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊं? नहीं सर वो एडवांस चाहिए सर, वो तो आपने पहले। अच्छा तो छुट्टी चाहिए भाई जान। सर बिल्कुल सर छुट्टी चाहिए सर। छुट्टी तो नहीं दूंगा। नहीं दूंगा? नहीं दूंगा वरना तुम इस कंपनी के आखिरी प्रोडक्शन आउट ऑफ कंट्रोलर होगे। नाउ प्लीज कल के इंतजाम सही कीजिए वरना ये टेलीफोन आपके सर पर फूटेगा। शूटिंग के बाद छुट्टी मांग रहे हैं सर, इसके लिए तो मैं किसी दिन लगड़ा हो जाऊंगा। इतने ये मेरे पाँव छूता है यार। नहीं छोड़ी 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 छोड़ी। नहीं सर आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग अनाथ हो जाएंगे। पर आप जाके बैंक से पैसे निकलवाइए, जिससे होगा नहीं, ये रोता धोता है लेकिन काम कर देता है। करता है सर, लेकिन काम टाइम पे करता है। गनी भाई ऐसा लेके जाना सीधा उधर। यहाँ कहाँ घूम रही हो? अरे हाथ क्या जुड़ रही हो? ऐसा अरे क्या कर रहा है यार? अरे चला अरे उधर सीधा लेके माचो मैन। अरे मेरी मिट्टी के शेर, वाह 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 हीरो तो ऐसा। अरे क्या तुमने क्या रेप किया यार? मैं प्रेम चोपड़ा और रंजीत को इस फिल्म की ट्रेल दिखाऊंगा और बोलूंगा देखो रेप ऐसा करते हैं। अरे आपको यहाँ से डायरेक्ट करो तो ऑटोमेटिक रेप हो जाएगा। आप जाके मेकअप रूम में फ्रेश हो जाइए, आप हो जाइए जाइए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मेरी जलपरी, मेरी जलबिन मछली, जलबिन मछली तुम्हारी जगह पे हो। यू आर अमेजिंग सेनोरिटा। फ्रांस में बहुत आप किया था, आई मिस्ड योर लॉट। प्रणाम सर। ओके आई विल बी इन टच विद यू। क्या बात है आपके सर? वैसे तो कोई खास बात नहीं है, और खास बात है भी। अच्छा सर, हम गांव जा रहे हैं सर। हाँ तो ठीक है, शेड्यूल कंप्लीट करो फिर चले जाओ। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। सर क्या है कि गांव में हमारी शादी है सर। चाचा ने हमारी शादी फिक्स किया। गुड, वेरी गुड। तो तुम शादी करने जा रहे हो? जी ठीक है, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शादी के बाद तू अपनी बीवी को रखेगा कहाँ गोचो? उसी गटर के किनारे वाली चौल में? ये तो हमने सोचा ही नहीं सर। ये सोचने का मकाम है और कि ये वाकई सोचने का मकाम है। मुंबई में जब कोई भी शादी के लिए उस वक्त सोचे जब उसके पास अपनी छत हो, और अगर भाड़े की भी हो तो इज्जत की जगह पर। और तू जा रहता वहां सारा दिन, शराबी दल्ले गंदे किस्म के लोग वहां ठहरते, वहां तू अपनी बीवी को, मासूम बीवी को लाके उनके बीच में ठहराएगा उस जगह में? है? नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर हम कर क्या सकते हैं? हम बताते हैं। देख आरके, तू पिछले 10 साल से टुना प्रोडक्शन में मेरे इधर प्रोडक्शन कंट्रोल का काम करता है। मैं मानता हूं कि तू अपने काम के मामले में सीरियस नहीं है, लेकिन तेरी एक बहुत बड़ी पूंजी है। तू निहायत ईमानदार और सच्चा इंसान है, तुझे उस काम का नेक फल मिलेगा। धन्यवाद सर। ये मेरे वर्सोवा वाले मकान की चाबी है। अच्छा। शादी के बाद अपनी बीवी को वहाँ ले जाके रखना। सर 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 बाद में करना। जब तेरे अपने जाती मकान लेने की हैसियत हो जाएगी तो खुदा के लिए चाबी लाके मुझे वापस दे देना, मैं यहाँ रखूंगा। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं पक्का आपको दे दूंगा सर। थैंक यू सर। सर मैं चाहता हूँ सर, सर एक बात तो हम भूल ही गए सर, आपके पाँव छुरा रह गए सर। हातिम भाई, हाँ। मेरा ख्याल है बॉस को आरके को छुट्टी दे देनी चाहिए। अरे ऐसे मौके पर तो छुट्टी देनी चाहिए ना भाई। अगर बॉस ने छुट्टी नहीं दी तो? अरे हातिम भाई है ना, फॉर्मूला नंबर 402 इस्तेमाल करूंगा और छुट्टी दिला दूंगा। अरे आरके छुट्टी मिल गई क्या? छुट्टी मिल गई है? मेरे बॉस की छुट्टी कर दी है? छुट्टी के साथ मुझे उसने अपने फ्लैट की चाबी भी दी है। वाह तेरी तो निकल पड़ी। निकल पड़ी नहीं, खड़ी। अरे टाइम हो रहा है, मुझे पैकिंग करनी है, मुझे जाना है, ट्रेन का टाइम हो रहा है। क्या पैकिंग करनी है? गांव चला जा, शादी कर ले, हनीमून मना ले और बीवी को लेके वापस आ जा। हातिम भाई बात उतनी सिंपल नहीं है। हाँ। क्या है कि पहली बार शादी कर रहा हूँ ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। करूँ तो क्या करूँ? आपका आशीर्वाद लेता हूँ, चलता हूँ। अरे आशीर्वाद है मेरा भाई। अरे कहाँ चलता हूँ, जाने से पहले मैं तेरे को एक दवाई देता हूँ। पलंग तोड़ दवाई। पलंग तोड़ दवाई? हाँ। या खाने से पलंग तोड़ जाएगा? नहीं नहीं, तू पलंग को तोड़ देगा, मैं पलंग को तोड़ दूंगा। हनीमून मनाने से पहले आधी चम्मच ये दवाई खाकर बीवी के पास जाने का तेरा काम तमाम हो जाएगा। हातिम भाई एक बात बताइए। बोलो। अगर आधा चम्मच से ज्यादा खा लिया तो क्या पूरे मोहल्ले के पलंग टूट जाएंगे? हातिम भाई ये तो बहुत डेंजरस है। काम कीजिए और एक बात बताइए, हमारा काम तो दवाई खाने के बगैर भी चल जाएगा, लेकिन ये दवाई है आपके पास क्या कर रहा है? वो क्या है घर में? अच्छा चल चलते हैं। जब पलंग तोड़ दवाई हमारा है, जब पलंग तोड़ दवाई। शादी एक ऐसा है, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खबर कहाँ आ रहा है? हमारे शादी पंद्रह के बारे में आइएगा। जरूर आइएगा, बिल्कुल आएंगे, आएगा बिल्कुल। चलो हम चलते हैं अभी। जी जी जय राम। पक्का आ रहा, देखिएगा बिल्कुल आएंगे। जय राम जी का, जय राम जी का, जय राम जी का, हाँ जय राम जी का। शादी बराबर करवा देना, बस किसी तरह शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। जिया बेकरार है, आई बहार है, हम तो आ गए गाँव में रानी तोरा इंतजार है। जिया बेकरार है, शादी हो जाए भैया बस किसी तरह से। कहाँ बचवा सब ठीक ठाक? हाँ क्रिकेट भी करके चल रहा है। ओए परदेसी बाबू मेरा बॉल दो। अब कब बंदरू जाओ, बंदरिया को लेके जिसने बॉल मारा है। अपने आप को सचिन तेंदुलकर का नानी समझती है। कोई बॉल ना मिलेगा चक। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मेरा बॉल है, जल्दी लाओ। नहीं मिलेगा, बोल दिया तो बोल दिया। जाओ बंदरिया को लेकर चल। अरे रोहन जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? चल चल। ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं अभी अपनी दीदी को लेकर आता हूँ। लेकर क्या? तेरी दीदी लेकर आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। भूल गया क्या? दीदी वो परदेसी बाबू बॉल नहीं दे रहा है। चलो रोहन आज उस परदेसी बाबू का बैंड बजा देते हैं, उसकी नानी याद दिलाते हैं। ए परदेसी बाबू चल बॉल निकाल, चल चल चल। अरे ये मिजाज, अरे बाप रे, हम तो सोच रहे थे कि आप हमको सॉरी बोलने के लिए आए हैं, लेकिन आप ना चाह करके उल्टी बात कर रही हैं। अरे कब से बात कर रहा है हमको, क्या बात कर रहा है? हड्डी नहीं टूटा, हड्डी तोड़ने का प्लानिंग में था? नहीं नहीं। अब देखिए सब बच्चे लोग के साथ खेलना इजी बात होता है, अगर आप हमारे साथ खेले तब जाने। ये बात है, चलिए बैग नीचे रख, चल चल आजा मैदान में, चल रोहन आजा आजा, चल आजा आजा। आ रहा है ब्रैटली, तैयार हो जाओ लिली। आ रहा है लिली, लिली दीदी देखो ना, बार बार बाउंसर फेंक रहा है, हमारी भलाई इसी में है कि इसे मैच ड्रॉ कर लो, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो घबरा मत रोहन, मैं भी अपने गांव के नंबर 1 की खिलाड़ी हूँ। इस बार इसके बॉल पर छक्का नहीं मारा ना तो मेरा भी नाम माया नहीं। चला आज दीदी, गांव की इज्जत का सवाल है, प्लीज मार देना। चल रोहन जा, चल फील्डिंग कर। देखा, ये छोकरिया लोग का खेलने का खेल नहीं है, मर्दों का खेल है, समझे? तो ये बॉल मुझे दे, ये ले पकड़ बैट। अब पहले ही बॉल पर बॉल नहीं किया ना तो आज के बाद क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगी। ये हुई ना बात। आवारा डंडा उड़ाने का सोच रहा है बंदरू। ए बंदरू क्या है? बस यूँ समझ लो कि आज के बाद तुम्हारी दीदी कभी क्रिकेट नहीं खेलेगी। क्यों? ऐसा घुमा करके छक्का मारेंगे कि आज के बाद इसका फील्ड में आने का हिम्मत नहीं होगा। भैया कृपया करके ऐसा मत करना, अगर दीदी की इस गेंद पे आप आउट नहीं हुए तो दीदी कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगी, फिर हर दिन हम किसके साथ खेलेंगे? चल सॉरी सॉरी फिर से बोल सॉरी। बड़ा प्यारा बंदरू है तू। वैसे तेरी दीदी भी कमती प्यारी नहीं है, लगता है कि आउट होना ही पड़ेगा। क्यों प्रकृति, हो गया ना डंडा गुल। अब आज के बाद किसी लड़की से पंगा मत लेना, समझे? समझना समझाना तो चलता रहेगा बंदरू। चल रोहन, बाबू कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। जयराम जी का, जयराम का। अरे चाचा को तो हम चाचा मेरा बेटुआ, चाचा मेरी शादी करवा दो, आशीर्वाद दो चाचा। चाचा चाचा के पाँव से छोटे किसी होंगे? अरे बाबले, ये पाँव नहीं हाथ है, वहाँ नीचे होते हैं। चाचा जीता रहे, चाचा मेरी शादी करवा दो। हाँ करवा देंगे, करवा देंगे। अभी आया है, चाय पानी पी बेटा। चाचा चाय पी लूंगा, पानी पी लूंगा, खाना खा लूंगा, पहले मेरी शादी करवा दो। अरे बाबले 2 सांस तो ले ले। 2 सास की चाचा? मुझे तो 1 ही सास चाहिए, एक पत्नी और 1 सास। और जहाँ तक सास लेने का सवाल है तो सास तो मैं लेता रहता हूँ। क्या तू सास लेता रहता है? हाँ चाचा, सास तो हर कोई लेता है। क्या मुंबई में हर कोई सास लेता है? मुंबई में क्या चाचा, सारे जगत में हर कोई सास लेता है। सास लेना बहुत जरूरी है चाचा। अरे मैं तो कभी ले ली। क्या बात कर रहे हो चाचा, अगर आपने सास ले ली तो आप जिंदा कैसे हो? घोर कलजुग, घोर कलजुग। अरे जिंदा रहने के लिए सास लेनी पड़ेगी चाचा। अगर आप सास नहीं लोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? मेरी शादी करवा दो यार। अरे बाबले, तू इस सास की बात कर रहा है? तो आपको क्या लगा और कौन सी सास? नहीं मैं समझा खचोट सास। वैसे मैंने लड़की पसंद कर ली है। चाचा आपने लड़की पसंद कर ली? हाँ बेटा। तो मेरे चाचे बुलवा देते, बहू की बनवाना चाहते हो? अरे बाबले बाबले बाबले, मैंने बहू के रूप में लड़की पसंद कर ली है। चाचा तो मेरी शादी करवा दो, जल्दी करवा दो। इतना उतावला क्यों हो रहा है? मैंने मुंशी जी से बात कर ली है, कल सुबह चलेंगे, लड़की देख लेंगे। अभी अंदर चल, नाश्ता पानी कर और 2 सास ले बेटा। चाचा मुझे तो 1 ही सास चाहिए। फिर वही सास लेने वाली चाचा, लेने वाली, लेने वाली। हाँ। तो दोनों मिलके लेते। हाँ चाचा, दोनों मिलके रिटर्न में लेते हैं। आनंद आया साथ लेने में चाचा? बहुत आया। चल अंदर और लेंगे, अंदर और लेते हैं। अरे रघु, अरे शाम कैसे हो गई रे? अरे चाचा शाम कहाँ हुआ, अभी सुबह ही है। हा? ये सारा का सारा जो कमाल है हमारे शहर के चश्मे का कमाल है। हम भी कहेंगे शाम कैसे हो गई रे। रघु एक बात बता। हाँ बोले। तू शादी करने जा रहा है। हाँ। देख हमसे झूठ मत बोलियो। झूठ का बोलेगा बोले। तू ये बता, जो तू इतना महंगा महंगा कपड़ा लेके आता है कहीं चोरी चकारी तो नहीं करता है? क्या बात कर रहे हो चाचा, आप हमारे ऊपर डाउट कर रहे हो, शक कर रहे हो हमारे ऊपर? पूछ रहा हूँ चाचा। हाँ। आप पूछ ही ले तो आपको हम अंदर का बात बताता हूँ। हाँ। ये फिल्म में काम करने में बहुत फायदा होता है। ये जो सूट हम पहने, इसको शाहरुख खान पहना रहा। क्या बात कर रहा है? और आप बताना आपको। हाँ। ये जो जैकेट आप पहने हो, ये चश्मा पहनो। हाँ। जानता हो इसको कौन पहना रहा? कौन कौन? स्वर्गीय अमृतपुरी जी। अरे कहीं हम स्वर्गीय तो नहीं हो जाएंगे? नहीं चाचा, आप टेंशन मत लीजिए, जब तक हमारा शादी नहीं हो जाएगा हम आपको स्वर्गीय होने नहीं देंगे। फिर ठीक है, हमारी शादी करवा दीजिए। और वही तो करवाने जा रहे हैं। चल चल चल, हमारी शादी करवा देंगे। नहीं करेंगे। सब तरह की चलेगी का। चाचा शादी करवा दीजिए, चाचा शादी करवा दीजिए। इतनी देर हो गई। अरे रमाशंकर जी, अरे आइए आइए भाई साहब। यही है मेरा भतीजा जो मुंबई में रहता है। हाँ बैठो बेटा, बैठिए भाई, बैठिए। जाओ माय बेटिया को बुला के लाओ जल्दी। अच्छा बेटा, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए ना भाई साहब, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं। अरे रमाशंकर जी पूछिए पूछिए, शादी ब्याह का मामला है, जो पूछना है पूछिए। वो क्या है बेटा कि तुम मुंबई शहर में कितना पैसा कमा लेते हो? पैसा क्या है कि आपके आशीर्वाद से 10-15 हजार कमा लेते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इतना कमा लेते हैं आपका। अरे लो बेटिया भी आ रही है, रखो बेटा चाय। नमस्ते नमस्ते। क्या क्रिकेट वाले मिली? ये वही लड़का है जो क्रिकेट में मेरे साथ हारा था। आज ये यहाँ बदला लेने आया है। चाय लो बेटा। जी बेटा जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि लड़की तुम्हें पसंद है ना? क्योंकि जिंदगी भर साथ निभाना है तुम्हें उसके साथ। पसंद है? अरे क्या अब तो हम लोग समझे, आपको भी बताइए। अच्छा जी प्रणाम भाई साहब। चलो प्रणाम, तो खुश हो। प्रणाम जी, हम कर लेते हैं प्रणाम, एक बार खुश हो। बड़ा अच्छा लड़का मिल गया। हाँ फाइनली हमारी शादी हो ही गई। भगवान चाचा का भला करे, लेकिन हमारा भला क्यों नहीं हो रहा? ये हमारी पत्नी अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ फंस गई हो? माया, माया तुम कहाँ हो? माया, 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 ये जाल हटा दो। माया जाल मेरी भाई। आओ माया, आओ आओ माया, यहाँ बैठो। आओ थोड़ा और करीब आओ। 1 मिनट पहले मैं जरा, किसी ने कहा दूध पीने से ताकत आती है। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता कि मैं रोज रात को दूध पीती हूँ? क्या पति इतने अच्छे होते हैं? ये तुम पियोगी? कोई बात नहीं, पियो। ताकत तुम है या मुझ में है, एक ही बात है। पियो पियो, पूरा पूरा पियो। हाँ पियो। अरे थोड़ा बाकी है, पियो पियो बस। ठीक है, मुझ में तो पहले से ताकत है। माया दूध पी लिया ना? अभी हम लोग वो करते हैं जो पति और पत्नी सुहाग रात में करते हैं। करें? करो। समझो मैं तुम्हें स्वर्ग की राह पर ले जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ले जाऊं? ले जाओ। तो तैयार हो? करिए बाहु, सीट बेल्ट खोलो। ये क्या कर रहे हो? भूख लगी तो खाना खाओ, हमारा होट क्यों खाते हो? होट खा रहे हो? खैर इसे छोड़ो और इसे पकड़ो और एक बार इसे हमें पहन कर दिखाओ। क्या है ये? पहन के तो दिखाओ। माया इसे जल्दी खोलो। माया, माया जल्दी खोलो। चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्या हुआ? पहन के दिखाओ। अरे मार क्यों रही हो? अरे मार मार क्यों रही हो? माया भाई स्वागत है। बैठो। कैसी हो माया? ठीक हूँ। पहले ये बताओ तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आई? अरे क्या बताओ, डांस रिहर्सल के लिए शहर गई थी, सोचा था एक दो दिन में रिहर्सल करके आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ काम में इतना उलझ गई कि तेरी शादी भूल गई। सॉरी। अच्छा वो सब छोड़, लेकिन तेरी सुहागरात कैसी रही? कैसी सुहागरात? उस रात वो पहले से ही मेरे पलंग पर बैठा हुआ था। अच्छा। और पता है उसने क्या किया? वो मेरे होंठ ऐसे खाने लगा जैसे उसने कभी खाना ही नहीं खाया हो। देख ना मिली, कितनी सूजन आ गई है, अभी तो कुतरी भी नहीं है। ओह, तो कुछ इलाज किया कि नहीं उन्होंने? और पता है फिर उसने क्या किया? हाँ हाँ बताना, क्या किया उसने? वो ना मेरे कपड़े उतारने लगा। आखिर ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो मान गया। फिर पता है उसने क्या किया? हाँ वो क्या बोला? और ना वो अब बोल भी, वो मेरे यहाँ हाथ लगाने लगा। आखिर बदतमीजी की भी कोई हद होती है। हाँ। और क्या बताओ मिली, तू सुनेगी तो तू पागल हो जाएगी। बता ना। उस रात हाँ बोल बोल। उस रात उसने मुझे एक पैकेट दिया। अच्छा। मुझे लगा इसमें होगी तो खाने की चीज दी। तू सुन तो सही, बोल ना। लेकिन जब खोला तो पता है उसमें क्या निकला? क्या? हमें बताते हुए भी लाज आती है। अब बोल भी, क्या था उसमें? बोल ना। उसमें ना उसमें यहाँ के अंदर के कपड़े थे। मैं तो पागल हो गई, हम तो छींक उठे बस। तू भी ना मतलब बुद्धू की बुद्धू रहेगी। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और वैसे भी हर किसी का प्यार करने का अपना तरीका होता है, और तूने तो एक ऐसे इंसान से शादी की है जो फिल्मी दुनिया का है। अब ऐसे आदमी के साथ रहने के लिए तो तुझे सोच तो बदलनी पड़ेगी ना। पहले दिन ही, वो भी सुहागरात के दिन ही, तूने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर का रास्ता? हाँ बाहर का। क्या सोच रहा होगा बेचारा? वैसे है कहाँ जीजा जी? पता नहीं, आज सुबह बिना बोले ही वो चले गए। हाँ तेरी बातें सुनकर तो निकल ही गए होंगे ना। वैसे ढूंढे कहाँ उन्हें? होंगे कैसे, नदी वादी के किनारे। अच्छा ठीक है, तू बैठ आराम कर और खुश रहे, ठीक है ना? ठीक है फिर बैठ, मैं बाद में आऊंगी मिलने, ठीक है? बाय। कहाँ चले गए? चाचा तेरा कभी अच्छा नहीं होगा। चाचा तूने मेरे रास्ते लगा दिए। चाचा शादी कराई भी तो भी ऐसी लड़की से। शादी होने के बाद भी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी रह गया। लगता है ये ब्रह्मचारी पना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। चाचा मेरा कुछ करो चाचा, मेरे से ये ब्रह्मचारी पना कब छूटेगा? पहचानो तो कौन? रात को पहचानने से इनकार कर रही थी, अभी बोलती है पहचानो तो कौन। लेकिन तुम्हारी कलाई तो एकदम मलाई की तरह लग रही है। माया, ये माया कैसे हो सकती है? ये नफरत की देवी अचानक प्यार की देवी कैसे बन गई? लेकिन बन गई है तो ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन कोई नहीं। लेकिन तुम तो माया की अच्छी सहेली हो ना? हाँ। तो फिर शादी में क्यों नहीं आई? वो क्या है ना, मैं स्टेज शो के लिए बगल वाले शहर चली गई थी। तुम स्टेज शो वगैरह करती हो? जी करती हूँ, लेकिन टाइम पास के लिए। एक्चुअली क्या है ना, मैं फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी। तुमको वैसे हीरोइन बनने की जरूरत क्या? तुम तो परी बनाई हीरोइन हो। है? लेकिन मैंने सुना है आप भी फिल्मों में काम करते हैं, तो मुझे भी काम दिलाएंगे क्या? दिला दूंगा, लेकिन बस ये जो हम दोनों के बीच की बात है, इसका किसी तीसरे को पता ना चले। है? आप फिक्र मत कीजिए, आपकी और मेरी बात किसी तीसरे को पता नहीं चलेगी। पक्का? जीजा जी। जीजा जी? माया तुम तो नहीं मिली, लेकिन मिली मिल गई। जीजा जी, जी लीजिए। बहू, बिटिया तू इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी है। अगर कभी इत्तेफाक से गुस्से में रघुवा ने तुझे कुछ कह दिया हो, तो तेरा फर्ज बनता है कि बेटा तू मुझे पहले बता। मैं सुबह से देख रहा हूँ, तेरा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू कोई तकलीफ में है। कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं ही। देख, अगर रघु ने कुछ कहा है तो तू मुझे बता, मैं उसकी ऐसी खिंचाई करूंगा। अरे वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर होगा अपने बम्बैया में। हाँ, मेरे लिए तो वही बचपन का रघुवा है वो। बिटिया, मैं रघु से कहूंगा कि तुझे मुंबई ले जाए, तेरा भी मन बहल जाएगा और उसको भी तो एक सहारे की जरूरत है। अच्छा जा, अब जाके रघु को खाना खिला। हाँ? शाबाश। क्या बात है हरके, क्या लग रहे हो? मिली, तू मुझे पहले क्यों नहीं मिली? जब से तू है मिली, ऐसा लगता है जैसे मेरे रेगिस्तान जैसे जीवन में बाहर आ गई हो। बाहर आ गई तो मैं अंदर क्या कर रहा हूँ? मुझे तो बाहर आना चाहिए, ये क्यों अंदर आ गई? लीजिए, खाना खा लीजिए। हमको भूख नहीं है, चलो हटो। जाइए, फिर हम भी नहीं खाएंगे। देखो, ये सब नाटक मत करो, समझे? ये सब नाटक हम फिल्मों में बहुत देखते हैं, वहाँ पर बम्बई शहर में। अरे बीच में से हटो, चलो। सात फेरे क्या इसीलिए लिए थे? नहीं, सात फेरे हमने इसलिए लिए थे ताकि तुम 7 जन्मों तक 7 लीटर खून रोज इंस्टॉलमेंट में हमारा पिता। चलो हटो। अगर किसी इंसान को मेरी पत्नी जैसी पत्नी मिल जाए तो जीते जी उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। लेकिन फिर भी जीना तो पड़ता ही है ना, इतनी सी बात के लिए कोई मरता भी तो नहीं। दूसरा रास्ता है। और वो है तुम। देखिए, मैं माया की जगह तो नहीं ले सकती, हाँ, लेकिन उसकी कमी को जरूर पूरा कर सकती हूँ। मिली, मैं हमारे इस रिश्ते को गुमनामी के अंधेरे में खोने नहीं दूंगा। मैं हमारे इस रिश्ते को एक नाम दूंगा, इज्जत दूंगा। मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दूंगा। माया मेरी सहेली है, मैं उसका घर कैसे उजाड़ सकती हूँ? इसी तरह ये गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती रहेगी तो मेरे बच्चे कब होंगे? इस जन्म में मैं बगैर बच्चों के मर जाऊंगा। तंग कर रहे हो रात को। प्रभु मेरा क्या होगा प्रभु? मैं गाड़ी नहीं, मैं खिलाड़ी हूँ माया। माया, मैं खिलाड़ी हूँ माया। माया, माया, प्रेमचंद, मैं नीचे क्या करूँ? मुझे तो पता नहीं चाहिए। जागना चाहते क्या? इस ऐसे पाँव इसके मीठे मीठे पाँव है। मुझे आज तक पता ही नहीं था मेरी बीवी इतनी मीठी है। पाँव इतने मीठे तो तेरी बीवी कितनी मीठी होगी। स्वीट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। नहीं डार्लिंग, मेरी जगह तुम्हारे चरणों में ही है। मुझे अपने चरणों में रहने दो। छोड़िए ना। और क्या कहा था तुमने? दिल। तुम्हारे पास अगर दिल होता तो तुम मेरी बातों को समझती, मेरे जज्बातों को समझती। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं आपके जज्बातों को नहीं समझती? मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन आप ही नहीं समझते। मैं नहीं समझता। देखिए ना कितनी रात हो गई है, मुझे अभी सोना है। कल सुबह मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलने जाना है। वो क्या कहते हैं आप लोग? गुड नाइट। गुड नाइट। बाय लागू। जीते रहो जीते रहो। अरे रघुआ कहा है? चले गया। बैठ यहाँ। अरे बैठ ना। बोलिए। अरे बात क्या है बिठुआ? हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम परेशान दिख रहे हो। शुक्र है कि आपको दिखाई तो दिया कि हम परेशान हूँ, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि हम जो परेशान हो उसका सारा का सारा वजह आप हो। चाचा कौनो जन्म का दुश्मनी निकाले हो हमसे। चाचा क्या कह रहे हो बिठुआ? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम ऐसा क्या कर दिए? क्या गुनाह किया हम? क्या गुनाह किया हो तुम? हाँ अरे ऐसा डफर जाहिल अनपढ़ लड़की को हमारा गला में बांध दिया हो। उस तो क्या गुनाह किया हम? जिंदगी खराब कर दिया हमारा। अरे बिठुआ हमको तो बहू में कोई कमी नजर नहीं आती। अच्छा अच्छा खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, और क्या चाहिए? चाचा ये सब काम करवाना होता तो हम घर में एक नौकरानी रख लेते। शादी नहीं करते। शादी क्या इसलिए की है? अरे पत्नी का परम धर्म होता है पति का खुशी का ख्याल रखे, उसे खुश रखे, लेकिन ये हमको खुश रखने के बजाय दर्जन का भाव में हमको रोज रोज दुख दे रही है। एक के ऊपर एक दुख, एक के ऊपर एक दुख। खुशी तो दूर हो गया, हमारा जीवन तो दूर हो गया। तू चिंता मत कर बेटा, हम 2 दिन के बाहर जा रहे हैं। हम बहू को समझाएंगे वापस आने के बाद, तो हर समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। देखिए समाधान जल्दी कर दीजिएगा, नहीं तो किसी दिन हमको समाधि में कहीं पाएंगे। चिंता मत कर। चिंता नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारा ख्याल कर लीजिए। हाँ बेटा कर लीजिएगा। अरे करेंगे। हातिम भाई गांव में रास्ते तो 2 ही हैं, लेकिन मेरे चारों तरफ से रास्ते लगे हुए हैं। बस आपकी ये पलंग तोड़ दवा आखिरी चारा बची हुई है। जब से गांव आया हूं पलंग तोड़ना तो दूर, मैं ठीक तरह से एक ही पलंग पर अपनी पत्नी के साथ सो भी नहीं पाया हूं। हातिम भाई इस पलंग तोड़ दवा का असर होना चाहिए, और अगर ये फेल हो गई तो शहर में आके मैं आपका बाईपास कर दूंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये फेल नहीं होगी। जय हो पलंग तोड़ दवा की जय हो। आधी चम्मच ब्रेड इतना कहा डाल दिया, डाल दिया तो ठीक ही है। माया माया कहाँ हो? माया मैं स्नान कर रही हूँ। स्नान कर रही हो तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे क्या हुआ? मेरी जान करा तुम तो मातम। तुम तो मातम। माया माया मेरी नदी का माया। चाहे जितना हो जाए लेकिन मत जाने छोड़ूंगा छूट छुट के माया मैं छपड़ा हूँ माया तो कहाँ जा रही है मेरा नदी का माया 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 तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा माया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा माया छोड़े तो सही नहीं माया नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा पानी में चले तेरा कोरा बदन बाहर चले मोरा बदन पानी में चले जले हातिम भाई व्हाट ए पावरफुल दवाई मेरा ये हाल हो गया माया का क्या हाल होगा माया कहने से पहले इसे चुका देता हूँ माया 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 तो छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ माया 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 तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ माया माया जम करो माया क्या माया माया कर रहे हैं ठीक से स्नान भी नहीं करने देते क्या चिल्ला रहे थे माया तुम्हें मेरी बाहर की आवाज सुनाई दे रही है मेरी अंदर की अंदरूनी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही लेकिन अभी सुनाई देगी जूस जूस माया ये लो शरबत पी लो इसके बाद तुम्हें सारी आवाज खुद ब खुद सुनाई देना शुरू हो जाएगी अंदरूनी बाहर की एक बार पियो माया माया पियो पियो माया अरे तुम ये लीजिए पकड़ो सकते हो आप पकड़वा दिया अरे क्या कर रही हो मुझे लगता है तुम तो मुझे भूल ही गए नहीं यार ऐसे कोई बात नहीं है बस मैं आजकल प्रोग्राम में इतनी बिजी रहती हूँ कि समय ही नहीं निकाल पाती हूँ आज क्यों निकाल दिया ये क्या बोले जा रहे हैं लाइए मुझे दीजिए नहीं यार ये टोपी मैं अभी चाय पी कर आई हूँ अरे लो ना तुम अरे नहीं मैं चाय पी कर आई हूँ मैंने कहा ना नहीं ये तुम्हारे लिए माया ये तुम्हारे लिए मैंने बहुत प्यार से बनाया है ये खाली शरबत नहीं माया इसमें मेरा प्यार भी मिला हुआ है ये तुम्हें पीना होगा पियो ये क्या कर रहे हैं मेरी तो कितने दिनों के बाद आई है आप भी मैं सिर्फ दूसरा शरबत ले आता हूँ माया तुम ये पीना या तुम किसी और को मत देना इसमें मेरा प्यार है मैं तेरे दूसरा शरबत ले आता हूँ तुम लोगों को मिली मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आता हूँ ठीक है लो मिली तुम पियो माया तुमने शरबत पी लिया नहीं नीली ने पिया नीली ने शरबत पी लिया अच्छा माया मैं चलती हूँ अरे बाय ठीक हो बाय जाने क्या होगा बेबी रे पता नहीं क्या होगा मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे तुमसे पुराने जन्मों का साथ हो। मिली, चौकट भी हुआ, ठीक नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी मर्जी थी। फिर भी तुम मुझे एक बार हीरोइन का चांस दिला दोगे ना? हीरोइन तो तुम समझो कि बन गई। बाबूजी, नाश्ता कीजिए। बहू, बेटी मैंने तुझे इस घर में एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह रखा। लेकिन ना तो तू एक बेटी का फर्ज निभा पाई ना ही बहू का। बाबूजी, आखिर मैंने ऐसा किया क्या? मेरी गलती क्या है? तेरा सबसे बड़ा गुनाह यह है बेटी कि तेरा पति तुझसे खुश नहीं है, जिसकी वजह से आज इस घर में है। बिटिया, जा, जा उसे देख। जा बेटा, जा, जा। ये क्या कर रहे हैं आप? पैकिंग कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जानू में। लेकिन वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ तो आपसे पहले मुझे जाना पड़ेगा। एक काम करो प्लीज, तुम वहाँ चले जाओ, मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा। इतनी नफरत करते हैं आप मुझसे। प्यार के तुम्हें ABCD तक नहीं आती, तुमसे आदमी करेगा क्या, नफरत ही करेगा। मेरे जैसा शायद ही कोई बदनसीब होगा जिसकी शादियों के इतने दिन हो गए लेकिन आज तक सुहागरात नहीं हुई। शायद ही मेरे साथ कोई बदनसीब आदमी होगा। और जानती हो ये सारी बात की जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम। ये बार बार सुहागरात की बात क्यों करते हैं? सुहागरात को तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। अरे रघु, प्रणाम। कहाँ जा रहे बेटा? गाँव छोड़ के जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, हमको जरूरी काम है। अरे प्रणाम। ये अचानक? वहाँ से फोन आया है, अर्जेंट इमरजेंसी में काम है, जाना पड़ेगा। हाँ तो अचानक जाएगा? अर्जेंट का मतलब अचानक ही होता है चाचा। हाँ लेकिन वापस कब आएगा बिठुआ? वो हम आपको फोन करके बता देंगे, ठीक है? ठीक है लेकिन बहू, बहू बात कर। अरे बिठुआ बात सुन बिठुआ। क्या हुआ? आपने मुझसे वादा किया था कि हम उनके साथ मुंबई जाएंगे। हाँ, वो अभी जल्दी में गया है, हम भी मुंबई जाएंगे। आएगा आएगा, मैंने समझा दिया उसे। बाबूजी हम मुंबई जाएंगे बाबूजी। चलोगे वर्सोवा? साहब चलेंगे। हाँ मिलिए अंदर बैठो। जी जी। वर्सोवा में कहाँ जाएंगे साहब? हाँ चलो चलो बताता हूँ। अरे भैया वर्सोवा तो चलो पहले। हाँ मिली, इसे वीटी कहते हैं। अच्छा? अरे अभी वीटी नहीं, अभी तो इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं। ये कौन सी जगह है? ये हाजी अली है। अच्छा बस इस तरफ थोड़ा आगे जाओगे तो सिद्धविनायक पड़ता है। बम्बई बहुत खूबसूरत है मिली, तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं लेकिन खूबसूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये आ गया हमारा घर। आओ आओ, इसे बंद कर दो। ये देखो सामने ये वाले दुकान है। आओ। तो ये खुल गया दरवाजा और अंदर पहला कदम तुम रखो। ठीक है। तो डार्लिंग ये रहा हमारा शीश महल। वो बात अलग है कि शीश महल में शीशा थोड़ा कम है लेकिन तुम शीशे पे ध्यान मत देना। और इस बात पे जरूर ध्यान देना कि यहाँ पर किसी को ऐसा पता नहीं चलना चाहिए, सबको ऐसा लगना चाहिए कि तुम और हम पति पत्नी है। अरे ये भी कोई सिखाने पढ़ाने की बात है? इतना कॉमन सेंस तो मुझ में भी है। हाँ? तुम्हारे सेंस के बारे में हमको पूरा सेंस है। देखो डार्लिंग, हम समाज के लिए तो पति पत्नी ही है। हाँ। लेकिन हम अच्छे दोस्त रहेंगे। हाँ? दोस्त? वो अलग बात है, कभी कभी मुड़ किया तो पति पत्नी का रोल प्ले कर लिया करेंगे। हाँ? कभी 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 नहीं, अभी तुम फ्रेश होकर आओ। हाँ तुम जाओ फ्रेश हो। नहीं तुम्हारे करीब आके बहुत नहा के फ्रेश होकर आओ। नहाने का बात है। हाँ। तो नहाने से ये याद आया कि तुम गांव के तालाब में तो बहुत नहाई होगी। हाँ। यहाँ शहर के टब में कभी नहीं नहाई। टब टब, उस टब में जाओ। यहाँ से टब लोगी ना तो वहाँ पे एक बाथरूम है, उसमें बड़ा सा टब है, उसमें घुस जाओ। तुम जाओ, हम फॉलो करते हैं। अच्छा तुम जाओ तो सही, हम फॉलो करते हैं। पानी ठंडा है, तुम टेंशन मत लेना। लेकिन मुझे गर्म पानी चाहिए। तुम चले जाओगी तो पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। तब आज लगता है यार के तेरी किस्मत खुलने वाली है। आज हम ही मेनका बन के मेरी तपस्या भंग कर देंगे। आ रही हूँ बाबा। अच्छा बाबा मैं आ रही हूँ। ऐसा बोल सकता हूँ? मिली मेरे चिकन चिल्ली जा रहे थे ना, आई रही थी ना। मिली क्या बात है मिली, तो बड़ी सेक्सी लग रही मेरे रस्ते में आके चैन से ये गाना गा रहा है हातिम भाई। अरे कैसी रही तेरी शादी, कैसा रहा तेरा हनीमून, अरे कैसा रहा तेरा शादी का एक्सपीरियंस है? मेरी वो पलंग तोड़ दवा जो तेरे को दी थी वो सही टाइम पे काम आई कि फुस हो गई? फुस कैसे होती, गोली आपकी दी हुई थी लेकिन काम गलत जगह पर आ गई। क्या मतलब? चढ़ाई किसी और एड्रेस पे थी, लग किसी और एड्रेस पे गई। वो सब छोड़ यार, शादी की पार्टी कब दे रहा है? यह पार्टी उड़ गया और ये लोग पार्टी में लग रहे। पार्टी कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी? ओह मेरी शादी की पार्टी। पार्टी ले लो, जब ले लगाए ले लो, आज शाम को हो जाए पार्टी। आज शाम को हो जाए। आरके को शादी करने से एक फायदा जरूर हुआ, कभी वो सपने में किसी के साथ हनीमून नहीं मनाएगा और ना ही इसे कोई मार सकेगा। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आरके साहब से मिलना है। आरके साहब तो यहीं पर खड़े हुए, इनके साहब से मिलना होगा आपको। क्या नाम है उनका? करण साहब। करण साहब, करण साहब से मिलने आए हो? ए मिल लो, जाओ उधर जाके बैठो। हातिम में हमको तो जितना मिलना मिलाना था मिल चुके। अच्छा आप ही मिल लो, बहन इनसे मिल लो। अरे आरके कहाँ जा रहा है? पता नहीं। क्या पता नहीं यार? आप वहाँ जाकर बैठिए, मैं साहब को फोन करके बताता हूँ और आपको भेज देता हूँ अंदर। देखा, शादी के बाद अपने आरके को कितना फायदा हुआ, इस लड़की से मार खाने से बच गया। यार अक्षय, ये आरके भी बड़ा अच्छी बात नहीं है, शादी की पार्टी उसकी है और हम पहले से आकर बैठे हैं। पूरा फिल्मी आदमी है ये। अरे यार तुम आरके को जानते नहीं हो, किस टाइप का आदमी है? यहाँ के बहुत अच्छे लोगों में से शैतान का नाम लिया, थोड़ा महंगा है लेकिन ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए ठीक। लेकिन यार उसके साथ कौन है? भाभी है, भाभी। हेलो हेलो आरके, नमस्ते भाभी जी, कैसे आप लोग? अच्छे हैं, बहुत जल्दी आ गए। ये मैडम हमारी हमारी नमस्ते भाभी जी, शर्मा के रहिए। अरे शादी हुई है? सुन, कल जो अक्षय कुमार ने पहनी थी वही तो नहीं है? वो मैंने हातिम भाई के घर फोन किया था, भाभी ने कहा कि मायके से कुछ लोग आए इसलिए वो नहीं आएंगे। अच्छा वैसे आपकी भाभी? नमस्कार, नमस्ते। आप बैठिए मैडम, क्या खाओगे क्या पियोगे? बोलो भाई, हम तो रम पियेंगे। मैं भी रम पियूंगा। रम पियोगे? रम क्योंकि रम से गम दूर होता है, इसलिए रम पिएंगे। रम पीने से वाकई गम दूर होता है, पक्का पक्का। तो एक पैक हम ही पीना था। क्यों? नहीं ऐसे हमको कोई गम तो है नहीं, पर ऐसे। हाँ हाँ ठीक है, 3 रम और 1 नींबू पानी। वेटर सर कहाँ पर है? वेटर भैया ठीक, 3 रम लाइएगा और मैडम के लिए 1 नींबू पानी। जी सर। खाओ साथ में कुछ? नहीं नहीं नहीं, वैसे भी इतना ही बजट था। अरे कुछ बियर वियर बियर वियर क्या, रम बोला था? हाँ रम तो बोला है लेकिन हमारे लिए तो नींबू पानी आ रहा है। तुम तो चलेगा, बहुत गरीब लड़की है, बिल्कुल हमारे पर गई है, एकदम सही। मतलब भाभी जी के सामने तू भी शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है? शरीफ कोशिश बनने की क्या कर रहा है? मतलब एकदम शरीफ आदमी है, क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? हाँ हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मजाक कर रहा हूँ, मजाक आदत है। शरीफ आदमी आ गया ये भी, अब पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं, पहले कोई किया नहीं। अरे तुम्हारा नींबू पानी भी आ गया, कौन सा रंग का? अरे हर आदमी पहली बार नींबू पानी, कमाल है साहब, पीले रंग का शरीफ बन रहा है। ठीक है देखो मजा आएगा, सब जानते हैं आपके बारे में हम। चलो 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 सब चीज, तुम भी करो तुम भी करो, तुम तो एकदम स्पेशल एकदम एकदम। थक क्या यार, तुमने अपने दोस्तों से मुझे अपनी बीवी कहकर इंट्रोड्यूस क्यों किया? ये क्यों नहीं कहा कि मैं मुंबई हीरोइन बनने आई हूँ? देखो मुझे तुम्हें किससे किस तरह इंट्रोड्यूस कराना है ये तुम मुझे मत सिखाओ। जानते नहीं हो तुम मेरे दोस्तों, भेड़ की खाल में एक से एक भेड़िए, सबके सब कमीने हैं। और तुम्हें क्या लगता है हीरो बनना इतना आसान है? अंदर जाओ, दूध गर्म करो, समझे? जल्दी करना। तेवर देखो, हीरोइन बनना। मिली, मिली, उठो, घंटी बज रही है। उठो ना, अरे घंटी बज रही है। जानू, घंटी मेरे दिल में बज रही है, तुम्हें बाहर सुनाई दे रही है। घंटी बज रही है, दिल विल की नहीं, दूध वाला आया होगा, जाओ। दूध वाला कोई नहीं, दूध वाला जानू, दूध वाला आया है, जाओ ना। दूध वाले को भी अभी आना था। मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आ रहा हूँ। जाओ, आ रहा हूँ, घंटी में जा। लीजिए साहब। अरे बॉस। हाँ बॉस, हाँ सर, सारी तैयारी हो गई सर। हाँ हाँ, हर रिक्वायरमेंट रेडी है। हाँ हाँ सर, सुबह 9 बजे। थैंक यू सर। क्या टेंशन देता रहता है यार। अरे थैंक यू यार, तुम चाय ले आई। मुझे यहाँ कितने दिन हो गए और तुमने अभी मुझे किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से नहीं मिलवाया। देखो, ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। अगर तुम मुझे किसी से नहीं मिलवा सकते तो मैं खुद ही मिला जुला शुरू कर देती हूँ। देखो तुम बेकार, मुझे टेंशन मत दो। पहले मुझे काम की इतनी टेंशन है, तुम और टेंशन मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हारी टेंशन मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें यही टेंशन है ना कि कहीं मिली तुमको छोड़ के न चली जाए, कहीं किसी और के पास काम न मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है फिल्मों में काम मिलना बहुत आसान होता है? फिल्मों में काम आसानी से नहीं मिलता। प्रोडक्शन मैनेजर से लेके प्रोड्यूसर तक के हर एक के बिस्तर से गुजरना पड़ता है, पता तुम्हें? प्रोडक्शन मैनेजर से तो शुरुआत हो गई है, रहे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनके बिस्तर तक मैं चली जाऊंगी। बहुत जबान चलने लग गई है तुम्हारी। हेल मना, तुम्हें कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम यहाँ इस कमरे में बैठोगी, समझी? तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, अब मैं तुम्हें हीरोइन बनकर दिखाऊंगी। यार करण भाई, अरे यार करण, ये शूटिंग कब शुरू होगी यार? अभी हीरोइन आ जाएगी, शुरू हो जाएगी यार। रिलैक्स यार, होता है कभी कभार, देर रात हो जाती है। लड़की साथ है यार, मेकअप करती है, तैयार होती है, कोई प्रॉब्लम भी होते हैं यार। अरे 2 बज गए यार, क्या कब आएगी? ये नॉर्मल शिफ्ट है, 2 बज गए। भाभी जी, भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। आरके से मिलने आई है क्या? नहीं, मैं डायरेक्टर साहब से मिलने आई हूँ। कुछ खास काम था क्या मैडम? हाँ, डायरेक्टर साहब कहाँ है? वो उधर शॉट ले रहे हैं। अच्छा ठीक है। आज की रिक्वायरमेंट दिए क्या करण? आज क्यों ना दिया, लेकिन यार वो दीवाना हो गया यार, दीवाना हो गया यार, मैं क्या करूं? देखो, अगर वो इस तरह से हरकत करता है तो उसका परमानेंट पैकअप कर दो। उसका परमानेंट पैकअप करूं ना? हाँ। उस वक्त जब वो इधर आएगा तब ना। और वो हीरोइन को भी वो स्पॉट पर लाएगा कि नहीं लाएगा, कि क्या मालूम गेट पे से उसको वापस कर देगा। सर 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 सर, हीरोइन आ गई सर। 1 लाख मारूंगा उसको, इधर लाख। तू आ जा 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 मैडम। मैडम ये नॉर्मल शिप में 2 बजे नहीं आते यार, प्लीज जी। ऐसे आपको पहले पिक्चर में स्टार नहीं बन गई। देखिए फाइनेंसर भी रूठा हुआ है, समझो यार। थोड़ा मेकअप करो, मेकअप तो तुम आई हो, तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे। थोड़े मेकअप मैडम को लेके जाओ, इनके बाल थोड़ा ठीक करो, थोड़ा लू शू लगा के जल्दी फॉरवर्ड। यू आर अ फ्यूचर स्टार। लेकिन मैं तो यहाँ कुछ मत कहो, अब जो कहना है कैमरे के सामने। अरे तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यार। यार संभाले यार करण भाई। हाँ। लेकिन सुन भाई, पहली फिल्म में मेरे को काफी नुकसान हो गया यार। भाई जान, मेरे को इस फिल्म में नुकसान मत करवाना। भाईजान मेरी बात तो कुछ सुनो, आपकी बात समझ गया हूँ मैं। पहले फिल्म में जो नुकसान हुआ है ना उसे इन्वेस्टमेंट में डालो। अभी आपको मैं इतना कमा के देने वाला हूँ, इतना कमा के देने वाला हूँ, एक से एक आइटम करवाऊंगा मेरी जान। अपने घर में रखने की जगह नहीं होगी, पड़ोस का माल ठसाएगा। क्या लग रहा है एकदम पटाखा? अरे एकदम डिफरेंट यार। अरे आइए 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 आइए, यू नो यू आर द फ्यूचर स्टार। Come this side and face the camera, left of camera, right of camera, and the stardom is waiting for you. The stardom is waiting for you. और इस तरह तुम्हारा नसीब तुम्हारे सामने चलता हुआ आ रहा है। देखो तुम्हारा नसीब चलता हुआ आ रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है। सर नहीं सर। अरे ये तो नसीब ही यार। तू क्या कर रहा है? तुम इधर आओ यार। तुम ये क्यों बात कर रही है? सर आप क्या कर रहे हैं? सर आप मैं क्या कर रहा हूँ? मैं शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तू इधर क्या गया? समझ रहे सर आप प्लीज सर। मैं समझ नहीं रहा हूँ, ये मुझे इससे समझने की जरूरत है। सर आप मुझसे मत सीखिए सर, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। क्यों भाई तू ये कि तेरे को पगार मैं देता हूँ कि तू देता है? पगार आप ही देते हैं, लेकिन सर आप मेरी बात समझिए सर। आप वो समझ रहे हैं जो बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं सर। सर प्लीज आप समझिए सर। मैं गलत समझ रहा हूँ सर। आप जानते हैं कौन है? मेरी फिल्म की हीरोइन है सर, फ्यूचर का स्टार है यार। सर ये फ्यूचर का स्टार नहीं है, मेरे घर का स्टार है, ये मेरी बीवी है सर। क्या कर रहे हैं आप सर? ये तेरी बीवी है? हाँ सर। अरे ये तो यार अच्छी बात है, अपने घर का स्टार है यार। सर क्या कर रहे हैं सर? शी इज अ स्टार यार। सर वो स्टार नहीं हो, मेरी बीवी है सर। क्या बात कर रहे हैं सर आप ऐसा मत कीजिए सर। देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए सर। क्या कर रहे हैं सर आप? क्या कर रहे हैं? तो तुम इसको घर ले आके चूल्हा चक्की बर्तन मंजवाओगे, आटा पिसवाओगे, रोटी पे 2-4 बच्चे देके इसके आटा मैं पीस लूंगा, बच्चे मैं पैदा कर लूंगा, सब कुछ मैं कर लूंगा, लेकिन आप ऐसा मत करो सर। मैं घर जा रहा हूँ सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम घर चलो यार, तुम चलो ना यार, तुम इसको जानती है बहुत कुछ। ले तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व है। प्रॉब्लम बढ़ गया, अभी उसको लेकर के जाएगा। शाम को अपना बच्चा हर के यार उसके शाम को घर पे जाऊंगा, उसके सर पे हाथ फेरूंगा, उसको समझाऊंगा। छोकरे जाते रहे मेरे को यूं क्या तू समझता नहीं है यार। स्टार्डम बहुत बड़ा वायरस है, बहुत बड़ी बीमारी है यार, तेरे को नहीं मालूम है। ये डंडा लेकिन 10 मारता है ना, सब फ्लैट हो जाता है यार। लेकिन वही लड़की चाहिए अपने, वही लड़की मिलेंगी मेरे को भी, वही चाहिए। तभी मैं लगाऊंगा पैसा इसमें, समझ। वो लड़की मिल गई, तू पैसा लगा, मिला हाथ। ये होना बात। छोड़ो मुझे, मना क्या था ना तुम्हें? शूटिंग पे गए तुम? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम मुझ पर हाथ उठाते हो। तुम बोलो तो अभी तुम्हारा घर छोड़कर चली जाओ। घर छोड़ के जाओगी? कहाँ जाओगी तुम? बाहर जाओगी तो एक से एक भेड़े मिलेंगे, बहुत के खा जाएंगे तुम्हें। तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम भी तो मुझे नोच कर खा ही रहे हो ना। भाई करण साहब है क्या? है तो सही, लेकिन थोड़े बिजी है ऑफिस में। खाली हो जाए तो मैं आपको भेज देता हूँ, जाके मिल लेना। ठीक है। आप चाय भाई पियेंगे भाभी जी? भाई आप मुझे भाभी भाभी मत बोलो। और वैसे भी किस रिश्ते से मैं आपकी भाभी लगती हूँ? आरके के रिश्ते से। कब से जानते हैं आप उस फ्रोडियल को? फ्रोडियल? अरे भाभी जी ही है। घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन आपने तो 1 मिनट में उसको दूसरा नाम दे दिया, फ्रॉडियल नाम दे दिया। हम कोई पति पत्नी नहीं है। और वैसे भी इतने दिनों से वो मुझे झांसा देकर यूज कर रहा है। छी। और मैं सारी दुनिया को उसकी असलियत बताने वाली हूँ। तो आप दोनों की शादी नहीं हुई? जरा करण साहब को फोन लगाइए, देखिए फ्री हुए या नहीं। जी सर, वो मिली आपसे मिलने आई है। हाँ भेज देता हूँ, जाइए। थैंक यू। कमाल है हातिम भाई जी, आखिर ये माजरा क्या है? माजरा मेरे को भी मालूम नहीं है क्या है, लेकिन है कुछ माजरा। गुड मॉर्निंग सर। मिली? राइट सर। बैठो। थैंक यू। खैरियत? जी सर, मेरा आरके के साथ झगड़ा हो गया सर, इसलिए उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये तो आरके की सरासर गलती है। मैं उससे बात करूं? नहीं सर, आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। वो तो आपने मुझसे कहा था ना कि बाद में आकर मुझसे मिल लेना, तो बस आपसे मिलने आ गई। देखो मिली, काम की कोई टेंशन तो नहीं है। I know you are not only a beautiful girl but a very, very talented girl also. अब see your luck. अगले महीने मेरी 3 फिल्में शुरू हो रही हैं। मैं 3 फिल्मों में तुम्हें चांस दूंगा। फिलहाल तुम रह कहाँ रही हो? अभी तो मैं कहीं नहीं रह रही हूँ, बस सीधा आप ही के पास आई हूँ उसका घर छोड़ने के बाद। तो फिर चलो मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देता हूँ। ये मेरे वर्ली वाला फ्लैट आज से तुम्हारा। थैंक यू सर। नॉट एट ऑल, आई शुड से थैंक यू टू यू, क्योंकि आज से तुम्हारी हर प्रॉब्लम करण की प्रॉब्लम है। सो नाइस ऑफ यू सर, इट्स रियली नाइस ऑफ यू। बाकी की बातें चल के फ्लैट पे कर लेंगे। श्योर सर। सेनोरिटा, अप टू यू सेनोरिटा। कम आउट मिली। जी सर। प्लीज, ये रहा तुम्हारा फ्लैट। थैंक यू सर। जॉइन मी, अलाउ मी। मिले, ये रहा तुम्हारा फ्लैट, ये रहा तुम्हारा बेडरूम, ये रहा तुम्हारा बेड, वो रहा तुम्हारा किचन। यहाँ रहना मुबारक हो। थैंक यू सर। थैंक यू क्या, ये तो मेरा फर्ज है। अगर तुमको तो यहाँ बॉय यहाँ पे रख दूँ जो तुम्हारी तमाम चीजों की देखभाल करे, खाना पकाने में। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ काम तो खुद करने चाहिए ना सर। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया और अनाउंस भी कर दिया कि तुम मेरी अगली फिल्म की लीडिंग लेडी हो, हीरोइन हो। सो काइंड ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू। एक हाथ दे एक हाथ ले होता है ना, तो जैसे कि वो तुम्हें सीन्स करने होंगे तो उसमें तुम्हारे वो कुछ इन्वॉल्वमेंट। नो प्रॉब्लम एट ऑल करण जी। आपको पता है करण जी, आरके के साथ रहकर मैं सब कुछ सीखी थी। शनि राहु तो तीनों के इंटरलाइन के सामने भी है। हे बजरंगबली, बचा लिया। मिली मिली, भड़की हुई लगती है, पटाना पड़ेगा। मिली, को मालूम नहीं है ये गुलाब का बर्फी का टुकड़ा। मिली मिली मिली, जिस तरह आज तुमने मुझे निहाल किया है, मैं मेरी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, मेरी अनगिनत फिल्मों में तुम्हें हीरोइन लूंगा, जब तक तुम मुझे नहीं कहोगी कि करण बस तुम मेरी फिल्म की हीरोइन होगी, कामयाब सुपरस्टार। आज तुम मेरी कार में आई हो, कल को मैं तुम्हारी कार में आऊंगा। जब तुम्हारी गाड़ी गुजरेगी लोग तुम्हें पुकारेंगे मिली मिली, तुम शान से अपनी मर्सिडीज कार में निकल जाओगी। और मुझे यकीन है आप पर। यकीनन, तुम्हारी यकीन में मैं अपनी कामयाबी और अपनी फतेह देख रहा हूँ। तुमको कामयाबी की उस चोटी पे लेके जाऊंगा जहां मुझे बार बार तुम ही मिलो। तुम ही मेरे प्यार का सपना हो, पर पता नहीं कब हमारा मिलन हो पाएगा। अजय, मुझे तुम्हारा प्यार इंस्टॉलमेंट में नहीं चाहिए, सिर्फ एक साथ चाहिए। मैं समझा नहीं। अभी समझाती हो, समझी? क्या बात है, क्या बात है। अरे अरे क्या बात है, इमरान हाशमी से अच्छा तुमने चुप दिया यार। सर मैं मेकअप रूम में जाऊं? जाओ जाओ जाओ, चेंज करके आओ, चेंज करके आओ। जरा लिपस्टिक जरा गाल से निकाल लेना। अरे आइए, मलिका शेरावत को भी आपसे सीखना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। यू मेड माय डे। जैसा मैंने तुमको सिखाया था तुमने वैसा ही दिया। अच्छा किया ना सर। अब एक काम करो, तुम भी चेंज करो, रूम में जाओ, क्योंकि अगले सीन के लिए जो डिस्कशन करना है वो बेडरूम सीन है। आई विल कम एंड एक्सप्लेन यू, देन यू विल डू इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ठीक है सर। संभाल के जाना जी। आगे कचरा उसमें पाँव नहीं रखना। कोई बात नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। संभाल लेना। मिली मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। देखो मिली, मैं मानता हूँ कि सारी की सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था जिस तरह का व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ मिली। मिली प्लीज प्लीज घर लौटाओ। तुम्हारे बगैर घर एकदम सुना सुना हो गया है। मिली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो आरके, अब हमारी जिंदगी नदी के उन दो किनारों की तरह हो गई है जो कभी मिल नहीं सकते। ऐसा नहीं है मिली। देखो इस समय तुम बहुत नाराज हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। मिली मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। मिली प्यार, ये शब्द तुम अपनी जुबान पर दोबारा मत लाना। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। और हाँ, तुम्हारी हर जरूरत, मतलब जायज नाजायज जरूरतों को पूरा किया। और तुमने बदले में क्या दिया? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक्सप्लॉइट किया। अरे तुमसे अच्छे तो करण साहब हैं, जिन्होंने मुझे, मतलब जिनकी जरूरतों को मैंने पूरा किया और उन्होंने मुझे आज इतनी बड़ी फिल्म में मेन हीरोइन का ब्रेक दिया। तुमने क्या किया? कुछ नहीं। और आज के बाद मेरी जिंदगी में कभी इंटरफियर मत करना, कभी नहीं, नेवर। चलो आ जाओ। ये कौन सी जगह है? ये वही जगह जहाँ सब कुछ मिलता है। अच्छा, सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर? हाँ हाँ। कितना कुछ खरीद लिया है हमने। अरे मैं और भी तुम्हें दिला सकता था। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने दिलवाया। अरे ये तो मेरा फर्ज था। बहू। बाबूजी। बिटिया इस तरह हिम्मत नहीं हारते, थोड़ा हिम्मत से काम ले। तेरा लघु तुझे जरूर मिलेगा। बाबूजी उन्होंने की सारी गलती मेरी थी, लेकिन लेकिन उनको भी तो मुझे समझाना चाहिए था। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तेरी पूजा यूं व्यर्थ नहीं जाएगी। चल कुछ खा पी ले और मुझे भी कुछ खिला। हाँ जी बाबू। चल अभी। हाय रिया, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। Sorry. It's all right. Please sit down. Thank you. तो मिली क्या लोगे? कुछ स्पेशल नहीं, जो तुम लोगे। एक बात तो बताओ मिली, बिना सपोर्ट के इतनी अच्छी करियर की शुरुआत तुम्हारी कैसे हो गई और यहाँ तक पहुँची कैसे? एक प्रोडक्शन मैनेजर आरके था, वो मुझे गांव से लेके आया था और आज उसी की मेहरबानी से तुम्हारे साथ बैठी हूँ। तुम ठीक कहती हो, हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई तो सहारा देता ही है, और खास करके फिल्म लाइन में सोर्स और रिलेशन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। हाँ तुम सही कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? कल गाने की शूटिंग है। हाँ आर यू प्रिपेयर? हाँ मुझे पता है। हाँ, तो चले? प्रिपेयर। ओके चलो आओ। आ जाओ। हाँ चलते हैं। बेशरम है, इश्क बड़ा बेरहम है, इश्क बड़ा बेशरम है, इश्क बड़ा बेरहम है। जान लेता भी है, जान देता भी है, तो यारा वो यारा। इश्क बड़ा बेशरम है, इश्क बड़ा बेरहम है, इश्क बड़ा बेशरम है, इश्क बड़ा बेरहम है, इश्क बड़ा बेशरम है, इश्क बड़ा बेरहम है। आशिकी बेराम की चीज है, कमाल की दिल की लगी ये काम की चीज है। चैन जाता भी है, चैन आता भी है, सुरियारा इश्क बड़ा बेशरम है, इश्क बड़ा बेरहम है, इश्क बड़ा बेशरम है, इश्क बड़ा बेरहम है। इनके सामने डांस कर रहा है इडियट, निकाल दूंगा सब एकड़ी। मेरा नुकसान कर रहा है, मेरी शिफ्ट, मेरी लाइक है, मेरा यूनिट, मेरा जैकेट में निकल तेरी जगह वहां है। अरे कमबख्त, प्रोडक्शन कंट्रोलर है और आउट ऑफ कंट्रोल होता है यार, मेरी शिफ्ट वेस्ट करता है, डांसरों के बीच में अपने आपको हीरो समझने लगा है। इनका दिमाग खराब हो गया क्या इसका? चलो अभी आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे जाओ, काम करो, मेरा खून मत जलाओ, लाइट जल रही है। बिल्कुल सही किया सर आपने। Come on, everybody on the place, come on, everybody on the mark, music. इश्क बड़ा बेरहम है, 1, 2, 3, 4. बेशरम है, इश्क बड़ा बेरहम है, इश्क बड़ा बेशरम विवाह प्रणाम। जी कर है चाचा, बचाना खुश रहा बेटा। बहू ने रो रो के अपना हाल बेहाल कर लिया, इसीलिए अचानक यहाँ आना पड़ा बेटा। और बाबले उस तरह अपनी नई नवेली दुल्हन से लड़के कोई आता है क्या? अरे इसका कसूर क्या है? यही ना कि ये गांव की सीधी सादी बोली भारी लड़की है। नहीं चाचा, मैं खुद आपके पास आने वाला था। तू कोई बात नहीं करेगा अभी, तू सिर्फ हमारी बात सुनेगा हमारी। पर बेटा बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, सावित्री का रूप है ये। अरे तेरा सौभाग्य है कि तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये शहर की औरतों की तरह नहीं है बेटा। चाचा मैं खुद गांव आने वाला था, इससे माफी मांगता हूं। देखो माया, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि गलती मुझसे हुई, लेकिन मैं आदमी गलत नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चल बेटा तू अपनी अमानत संभाल, हम कल सुबह की गाड़ी से वापस गांव जा रहे हैं। अरे चाचा आपको ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। आप नहीं जानते कि आज यहाँ पर आकर आपने। बस बेटा बस, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट है तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। जा बहू को भीतर ले जा, जा जा बेटा। चलो जाओ। भगवान इन दोनों की जोड़ी को बनाए रखना भगवान। एक बात पूछूं? आप पूछो। आप हमें गांव में अकेला छोड़कर इसलिए आ गए थे ना क्योंकि हमें प्यार करना नहीं आता था, तो आपने हमें सिखाया क्यों नहीं? शादी के साथ फेरे लेते वक्त हमने कई कसमें खाई थी, कई वादे किए थे। जब शादी हुई उस वक्त मैं नादान थी। प्यार क्या होता है, पति क्या होता है, इस बात से अनजान थी। लेकिन जब आप मुंबई आ गए तो आपके हर एक बात का एहसास हुआ मुझे। माया गलती मेरी है। गलती तो मेरी भी थी। खैर आज से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं भी आपके प्यार के लायक हूँ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मतलब? कीजिए ना, जब तक ना कहूँ तो आंखें मत खोलिएगा। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। माया मुझे और शर्मिंदा मत करो। इसमें शर्मिंदगी कैसे? आप तो मुझे इसी रूप में देखना चाहते थे। माया मैं भूल गया था कि पत्नी जो होती है भोग की चीज नहीं होती, बल्कि पत्नी तो शक्ति का प्रतीक होती है। पिछली बातें भूल जाओ। और माया आज से हम दोनों हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। बताइए पिक्चर के एंड में जाकर हमारी शुरुआत हुई, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी शुरुआत हुई है बात आगे तो बढ़ने दीजिए। जाइए जाइए, अच्छी बात नहीं लोग बैठे में जाते। अरे आप लोग अभी तक आए नहीं, चले जाइए, गलत बात है क्या? अरे आप कहाँ जा रही है? आप इधर आ गई, उसे जाने का। अरे पब्लिक चले गई। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.